कई बार लोगों को जैसे मैना है या कोई दूसरे जो पक्षी है वे मिल सकते हैं और उनकी देखभाल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और वे मर सकते हैं कई बार। तो उसी वजह से कई बार लोग आते हैं मेरे पास में पूछते रहते हैं कि भाई क्या खिलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो ये जीव है ये अच्छी तरह से बचे रहे और इन चीजों पर परवरिश है वो हो जाए। ये शोर ज्यादा करते हैं, बड़े परिंदे हैं ये जो आप देखते हैं, ये कोयल के बच्चे हैं। करीब आज इनको मेरे पास में 8वां दिन है, बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ भी कर रहे हैं लगातार। जो स्वास्थ्य है इनका वो बिल्कुल ठीक है। ये इनमें सबसे छोटा था ये वाला, अब इस पर कहीं भी पर नहीं थे, अब इसके पर आगे बढ़िया तरीके से। ये दूसरे जो बच्चे थे ये करीब इस तरह के थे जैसा ये। समस्या आती है कि इन्हें खिलाया क्या जाए, तो मैं इनको एक दिन में 4 या 5 बार भोजन देता हूँ। तो आप देख रहे हैं बच्चे, इनको एक बंदर ने बिजली के खंभे से जो घर था कौवे का उसको नीचे फेंक दिया था, उसी में ये बच्चे थे। पहले सोचा ये क्या दो ही होंगे, लेकिन ये पूरे अच्छी तरीके से जब मैंने ढूंढे तो ये 5 बच्चे थे। सुबह को 8 बजे देखता हूँ मैं इनको सेरिलैक और सेरिलैक के साथ में ब्रेड मिला करके। 8 बजे के बाद में फिर पूरे 3 घंटे कर लो, 8, 2, 10, 11, फिर 11 बजे मैं इनको देखता हूँ ब्रेड और उसमें उबला हुआ अंडा। करीब 2 बजे फिर मैं इनको देखता हूँ केवल रोटी, जो रोटी होती है उसको बारीक बारीक तोड़ लो, पानी में डाल दो और पानी में डालने के बाद में जब वो नरम हो जाती है करीब 30-35 सेकंड में उसको दे देता हूँ, 3 बार हो गए। इसके बाद में शाम को 5 बजे के आसपास मैं इनको देखता हूँ उबले जो अनाज होते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज को बारीक कूट लो और उसमें थोड़ा सा मैं सेरेलैक मिलाता हूँ और वो इनको दे देता हूँ। इसके बाद में जो जैसा आप जब दिन देर से छिपता है तो एक बार फिर, वैसे तो मैं ज्यादातर 4 बार ही देता हूँ, कभी कभी 5 बार दे देता हूँ, 5वीं बार केवल जो सेरिलैक होता है बस केवल सेरिलैक दे देता हूँ।